नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्लिपकार्ट शॉपिंग हॉल। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में ही मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ चीजें परचेज की हैं और कुछ चीजें मैंने दोबारा से परचेज की हैं, क्योंकि जो मुझे अच्छी लगती हैं उन्हें मैं दोबारा खरीदना जरूर पसंद करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शॉपिंग हॉल शेयर करने जा रही हूँ, मिनी शॉपिंग हॉल आप इसे बोल सकते हो। कुछ चीजें मैंने इसमें परचेज की हैं, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी चीज पसंद आई है या आप खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड, इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर फ्लिपकार्ट शॉपिंग हॉल, अमेजॉन शॉपिंग हॉल, मिंत्रा शॉपिंग हॉल बहुत सारी चीजें शेयर की हुई हैं, तो उनका लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे दिया है। अगर आप वो वाले शॉपिंग हॉल देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो के बाद में आई बटन पर क्लिक कर आप उन वीडियोज को देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर अभी कुछ दिनों में, मैं सोच रही हूं कि बंगाली मेकअप लुक, बंगाली ब्राइडल मेकअप लुक में शेयर करूं, तो उसके लिए मैंने व्हाइट साड़ी तो परचेज कर ली थी, उसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, आई बटन पर लिंक दे दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो चेक कर लीजिएगा इस वीडियो के बाद में। व्हाइट कलर का पेटीकोट चाहिए था या साड़ी शेपर जो आप बोल सकते हो, तो ये वाला जो है व्हाइट कलर का मैंने परचेज किया है और इसकी पिक मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हो कुछ ये इस तरीके से नजर आता है। तो इस तरीके से इसकी आप देख सकते हो ये शेप है, साइड पर कट भी दिया गया है और व्हाइट साड़ी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। और इसकी जो शेप है ना, जैसे स्कर्ट होती है तो स्कर्ट टाइप है, तो मुझे ये वैसे भी बहुत अच्छा लगा है, तो ये मैंने परचेज किया है। और इसकी फैब्रिक क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, फैब्रिक क्वालिटी मुझे पसंद आई है। इससे पहले भी मैंने ब्लैक कलर का पेटीकोट जो है वो परचेज किया हुआ है और उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। इसकी फैब्रिक क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है और ये स्ट्रेचेबल है, काफी स्ट्रेचेबल है, और चाहे आप थोड़ा हेल्दी भी हैं तब भी आप इसे वियर कर सकती हैं, पहन सकती हैं, तो काफी स्ट्रेचेबल बहुत है, बहुत ही अच्छी फैब्रिक क्वालिटी है इसकी, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये डर्मा सक्शन मैंने परचेज किया था, आप देख सकते हो ये भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है और इससे ब्लैकेड व्हाइटेड जो है ना वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं, तो इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर शेयर कर दिया है, इसका लिंक भी मैंने आपको आई बटन पर दे दिया या फिर एंड स्क्रीन में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो इसका भी मतलब लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपको, तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, रिव्यू में आप देख लेना, आपको पूरी डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट इसके बाद मैंने मंगवाई है ऑर्गेनाइजर, जो कि ब्रा पैंटी या फिर आप कुछ भी छोटे कपड़े जैसे बच्चों के होते हैं, बनियान वगैरह होती है या छोटे बच्चों के जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो आप इसमें रख सकते हैं, ये मुझे अच्छा लगा है। लेकिन जो कलर मैंने सेलेक्ट किया था वो कलर मुझे नहीं मिला है, यस ये चीज मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी है, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी है और मैं आपको दिखा देती हूँ, और जब मैं आपको पिक में भी दिखा दूंगी, कुछ इस तरीके से है ये और इस तरीके से ये ओपन होता है जैसा कि आप देख सकते हो, ये देखिए स्पेस तो इसमें काफी है, काफी स्पेशियस है, आप देख ही रहे होंगे, ये देखिए स्पेस तो काफी है इसमें, तो कुछ इस तरीके से ये ब्राउन कलर में है, ब्लैक और ब्राउन कलर में है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये देखिए, तो इस तरीके से कुछ ये कवर हो जाता है, इस तरीके से ये बंद हो जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से बॉक्स स्टाइल बन जाता है अलमीरा, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अलमीरा नवी बनवाई है ना, तो उसमें ये आसानी से रखा जाएगा ड्रॉर वगैरह में। नेक्स्ट मैंने मंगवाई है एक ज्वेलरी पीस, मैंने एक्चुअली दो ज्वेलरी पीस मंगवाए हैं, सबसे पहला है ये वाला डायमंड में आप इसे बोल सकते हो, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ईयरिंग्स हैं, ये पूरा सेट है, इसमें आपको ब्रेसलेट मिल जाएगा, गले का सेट मिल जाता है और ईयरिंग मिल जाते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये ब्यूटीफुल सा सेट है, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया, आगे वीडियोस में आप देख ही लेंगे जब मैं मेकअप लुक वगैरह शेयर करूंगी ना, तो उसमें मैं आपको पहनकर दिखा दूंगी, ये देखिए तो कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और रेड कलर के टॉप के साथ तो ये और ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप बताइएगा, मैं वैसे ही लगाकर देख लेती हूँ, अरे वाह ये ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है तो खैर ये इसका आप देख सकते हो। और हाँ इसके साथ ना आपको रिंग भी मिल जाती है, रिंग मिल जाती है, ब्रेसलेट मिल जाता है, मैं दिखा देती हूँ एक मिनट, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मुझे मिल गया था, इसकी लिंक भी मैंने आपको दे दी है, तो ये देखिए इस तरीके से ये ब्रेसलेट है, ये देखिए तो ये भी बहुत अच्छा ब्रेसलेट है, और इसकी रिंग दिखा देती हूँ मैं आपको साथ में, ये देखिए ये रिंग है। उसके बाद मैंने परचेज किया है व्हाइट कलर का ट्राउजर,
या प्लाजो भी आप इसे कह सकते हैं। बट इसके साथ एक चीज ये है, मैं आपको इसे पिक्चर में पहनकर दिखा दूंगी और वैसे भी इसकी स्क्रीन पर ना मैं पिक शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। इसकी फैब्रिक क्वालिटी वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन जैसा मैंने इसे पिक में देखा था, जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, तो जैसा ये पिक में नजर आ रहा है थोड़ा पैंट स्टाइल, तो वैसा ये नहीं है और ये काफी लूज है मतलब, और फिटिंग वगैरह भी, और जैसा मतलब मैंने इसे सोच के परचेज किया है, खरीदा था या सेलेक्ट किया था, वैसा ये नहीं निकला है। तो यस, इसलिए भी मुझे अच्छा नहीं लगा है। और वैसे आप इसे कुर्ती के साथ भी पहन सकते हैं या सूट के साथ, और यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप के साथ भी आप इसे वियर कर सकते हो। तो मैंने इसे रिटर्न कर दिया है और इसकी रिटर्न रिक्वेस्ट मैंने डाल दी है। तो मुझे इतना ज्यादा कुछ खास ये पसंद नहीं आया है, क्योंकि जैसा मैंने ये पिक्चर में सोचा था कि ये कुछ इस टाइप से होगा, लेकिन ये वैसा नहीं निकला है। तो यस, ये भी मैं वापस करने वाली हूँ। और दूसरी जो ज्वेलरी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, चलिए दिखा देती हूँ कौन सी मैंने ज्वेलरी पहनी थी, मतलब खरीदी थी सॉरी, और अरेबिक लुक में कौन सी पहनी थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ज्वेलरी मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी, इसलिए मैंने वापस कर दी थी ये, क्योंकि मेकअप लुक करने के फिलहाल तो मैंने वैसे मेकअप के लिए मंगवाई थी, लेकिन मुझे वो उतनी कंफर्टेबल नहीं लगी तो मैंने रिटर्न कर दी थी। और इसके इयररिंग्स दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से इसके इयररिंग्स हैं। इसके इयररिंग्स में आपको ये दो ही जो इसकी लटकन है वो नजर आ रही होगी, तीसरी भी इन्होंने दी थी एक्स्ट्रा में, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। और मुझे हालांकि ये दो में ही कंफर्टेबल लग रहा था, और ज्यादा हैवी भी नहीं है, ज्यादा लाइट वेट भी नहीं है, ठीक ठीक है इसका वेट जो है इयररिंग्स का, बट मुझे कुछ खास ये पसंद नहीं आया है। साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं इयररिंग्स में अगर लगाना चाहते हैं। तो ये चीज भी मुझे मतलब कुछ खास नहीं लगी है, बट पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने इसे रिटर्न कर दिया था। साथ ही जो मैंने एक और जो ज्वेलरी परचेज की थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे मैंने अरेबिक मेकअप लुक में पहना था, जो मैंने अरेबिक मेकअप लुक शेयर किया हुआ है उसका लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे दिया है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज एक बार चेक कर लेना इस वीडियो के बाद में। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ज्वेलरी दिखा देती हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पीस था, लेकिन जैसा ये पिक्चर में दिखाया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट में दिखा देती हूँ, पिक्चर में स्क्रीन पर आप देख सकते हो, जैसा ये पिक्चर में नजर आ रहा है एक्चुअल में ये ऐसा नहीं था। मतलब डिजाइन वगैरह सब सेम है इसका, लेकिन जो जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हो एक चमक है ज्वेलरी में, वैसी चमक मुझे इसमें नजर नहीं आई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये कंफर्टेबल नहीं है पहनने में, आप इसमें वायर देख सकते हो, इस तरीके से जो ये वायर लगी हुई है ना, ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है पहनने में। पीस बहुत ही सुंदर था, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है ये जैसा कि आप देख रहे हो, और मैंने इसे रिटर्न कर दिया था, मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ उसके मतलब नेक्स्ट डे मैंने इसे रिटर्न कर दिया था, आप देख सकते हो मेकअप लुक शेयर करने के बाद। हालांकि मैंने इसे अरेबिक मेकअप लुक के लिए स्पेशली परचेज किया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसे वापस करूंगी, लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं लगा मुझे पहनने में, तो खामखा अपने पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप खरीदना चाहते हैं, ट्राई कर देखना चाहते हैं, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, ट्राई कर देखना चाहते हैं, तो इसकी परचेज लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, प्लीज आप एक बार चेक कर लेना। तो इस तरीके से ये पीस है, आप देख सकते हो, बस ये इस वजह से भी मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर ये किसी आपके नेट वाली ड्रेसेस में, जो नेट वाली ड्रेसेस होती है, जालीदार कपड़े होते हैं, अगर ये उसमें उलझ जाती है तो ये इसके निकलने शुरू हो जाएंगे घुंघरू जो है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि शुगर की लिपस्टिक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। इससे पहले जो मैंने शुगर की लिपस्टिक परचेज की थी, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पर या फिर आई बटन पर मैं दे दूंगी, तो उन लिपस्टिक का रिव्यू भी आप देख सकते हैं। शुगर की अगेन मैंने दोबारा से लिपस्टिक परचेज की है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए शेड में दिखा देती हूँ। और इसके लिए मैं सोच रही हूँ इन शेड्स के, क्योंकि शुगर की लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, और किस प्रूफ लिपस्टिक होती है, काफी ज्यादा अच्छी थी, तो मैंने इसलिए दोबारा से परचेज की है। और मैं इनके साथ रील्स की वीडियो बनाऊंगी, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, रील्स की वीडियो में आप सभी शेड्स आपको मतलब देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से शेड मैंने परचेज किए। फिलहाल मैं आपको ओपन कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली शुगर की मैंने 4 शेड परचेज की है। पैकेजिंग तो इसकी बहुत ही अच्छी होती है, ये बॉक्स मिल जाता है, और ये बॉक्स ना मतलब काफी ट्रैवल फ्रेंडली है, और इसकी जो मेटल वगैरह बनी है मतलब बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है, लग्जीरियस पैकेजिंग आप इसे बोल सकते हो, मतलब काफी अच्छी इसकी पैकेजिंग होती है और ट्रैवल फ्रेंडली बॉक्स है ये। अगर आपका मतलब अगर आपको इसमें लिपस्टिक नहीं रखनी है, तो आप सफर में मतलब कुछ और चीज रखना चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें छोटी छोटी मेकअप से रिलेटेड चीजें आप इसमें रख सकते हैं। तो इसलिए भी मुझे ये जो बॉक्स है ना अच्छा लगा था, और इनके साथ मैं रील्स की वीडियो बनाऊंगी शेड्स के साथ, तो आप एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट जो मैंने परचेज की थी ये थी 3 बेल्ट्स, और ये वैसे तो मैंने आपको बता दी थी, और वैसे तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था, ये बेल्ट्स भी काफी ज्यादा अच्छी हैं, इनकी क्वालिटीज भी अच्छी हैं, और आप देख सकते हो ये देखिए इस तरीके से है ये, मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए ये 3 अलग अलग कलर में थी, ये देखिए ब्राउन कलर में है, और ये
किस तरीके से लिपर्ड प्रिंट में है, ये तीन जो आप देख सकते हो। तो यस, ये बेल्ट भी काफी ज्यादा पसंद आई थी। आई होप दोस्तों कि आपको आज का ये शॉपिंग हॉल वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपका आज का ये शॉपिंग हॉल कैसा लगा। और फ्रेंड्स, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, प्लीज यार लाइक कर दिया। एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, ना ही आपके पैसे खर्च होते हैं, सिर्फ एक लाइक ही तो देना है यार, क्या जाता है। और प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एमएक्स, टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।